मार्च 2020 के बाद से भारत और पूरी दुनिया कोरोना का दंश झेल रही है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें कहा गया था कि कोरोना के चलते जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुआवजा दें। इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस इशू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और जवाब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। जवाब में केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि कोरोना की मौत के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुआवजा नहीं दे सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो पहली बात तो ये होगी कि एक बीमारी और दूसरी बीमारी में फर्क हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बीमारियों से होने वाली मौतों में भी फिर मुआवजा देने की बात आएगी। एक बात ये भी कही गई है कि केवल नेचुरल कैलेमिटीज के चलते जो मौतें होती हैं उन्हीं मामलों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। और इसमें केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि अपनी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार जो गरीब तबका है उनको अनाज तथा अन्य सहायता मुहैया करा रही है, और अगर इस तरह से 4-4 लाख रुपए पर व्यक्ति जो जिसकी कोरोना से मौत हुई है उसे मुआवजा दिया गया तो फिर वो सब जो स्कीम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस मामले में सोमवार यानी कि कल सुनवाई होनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में डिसीजन लेना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में जो मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए उनके द्वारा मृतकों के परिवारों को या नहीं। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि सभी जो कोविड मौतें हैं जिनको कोविड के तहत रजिस्टर नहीं किया गया है तो उन सबको कोविड के तहत ही रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जो हॉस्पिटल से बाहर जो कोरोना से मौत हुई है वो कोविड मौतों में रजिस्टर नहीं की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा जो ड्यूटी में कोताही बरती गई है या जिनके द्वारा लापरवाही की गई है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।